दोस्तों आज हम आपको मानव का ऐसा ऐसा विचित्रता दिखाने जा रहे हैं जिसे आप भी एक पल के लिए देखकर चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं, चौंकिए मत। आज का यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों वीडियो को आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसीलिए आपका एक स्नेह भरा लाइक तो बनता ही है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सारे मूवी को फ्री में देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके फ्री में आप साइन अप करें और एक महीने के लिए फ्री में मूवी देखें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया भर में हर लोग नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को बदलकर लोगों के सामने कुछ अलग और विचित्र कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद का सुंदर चेहरा को बदलकर एक नया और विचित्र रूप लिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेड रिचर्ड से। दोस्तों जानवर पालने के शौकीन बहुत से लोग होते हैं, जो लोग अपने पालतू जानवर से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते हैं, पर ये टेड रिचर्ड को अपने प्यारे से तोते से इतना ज्यादा प्यार है कि अपने तोते की तरह ही दिखने के लिए दोनों कान और जीभ को दो भागों में कटवा लिए। इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, फिर उन्होंने अपने बालों को ठीक तोते की तरह कलर में हरे, लाल और पीले रंगों से बड़े ही प्यार से रंगवा लिए। फिर पूरे शरीर पर टैटू बनवाया। और सबसे आश्चर्य और हद की बात तो तब हो गई जब उन्होंने अपने ही शरीर में करीब 50 जगह छेद छेद सा करवा लिए। डेनी सेवर, इस अजीब और विचित्र तरह का दिखने वाला शख्स स्कॉटिंग कैट के नाम से मशहूर है और यह दिखने में ठीक टाइगर के ही तरह लगता है, लेकिन उनकी अब मौत हो चुकी है। जब वो जिंदा थे तो वे ट्रांसफॉर्म लुक के कारण काफी चर्चा में आए थे। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने टाइगर की तरह अपने चेहरे को बनवाकर अपना कुछ हटकर पहचान बनाना चाहते थे। इन्होंने सेम टाइगर के रूप में दिखने के लिए अपने शरीर में 14 तरह की सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे। उनके अवरोध नाक और फोरहेड को सर्जरी के माध्यम से बदल दिया गया। शरीर पर अजीब से टैटू बने थे। नाक और दांत भी ठीक टाइगर के ही तरह दिखते थे। केनिची टो, दोस्तों दो पैरों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते तो आपने बहुतों को देखा होगा और सुना भी होगा, पर आज मैं बात करता हूँ दो हाथों और दो पैरों के साथ दौड़ने की। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? नहीं ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यह एक मंकी मैन के नाम से जापान के एक शख्स के चिनो इटो ने अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का इस्तेमाल करके किसी जानवर की तरह सरपट दौड़ लगाते हैं, जिसे आप भी अपनी आंखों से देखकर बिलीव कर सकते हैं। केनी चेटो ने दोनों हाथों और दोनों पैरों से 100 मीटर की रेस लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी मात्र 15.601 सेकंड में। उन्होंने जानवरों को दौड़ लगाते देखकर मन में ठान लिया कि मुझे भी ठीक जानवर की तरह ही दौड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। फिर क्या, अपनी कोशिशें जारी कर दी और केनी चेटो ने ठीक 9 साल के कठिन मेहनत से वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। इसीलिए तो कहा गया है दोस्तों, जहां चाह वहीं राह। इंसान अपनी मजबूत इरादों से दुनिया के हर मंजिल को प्राप्त कर सकता है, वो यह केनी चेटो ने साबित कर दिया। इरिक्स प्रेग नाम के इस इरिक्स प्रेग को यूं ही लिजार्ड मैन की उपाधि नहीं दिया गया है। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से अपना इंसानी शरीर ही बदल डाला। 20 साल पहले इन्होंने सोचा था कि हम अपने शरीर को ठीक छिपकली के तरह बनाकर अपना एक अलग ही पहचान बनाएंगे, और फिर क्या, अपने इरादों के मुताबिक इन्होंने अपने चेहरे पर एक टैटू बनवा लिए, जिसे बनाने में उन्हें लगभग 700 घंटे लगे थे। फिर अपने दांतों की घिसाई करवाकर पूरा नुकीला बनवा लिए। फिर इन्होंने अपने जीभ को दो भागों में बंटवा लिए ताकि छिपकली की तरह दिख सके।
इवा मेड्यूसा। ड्रैगन लेडी कहलाने वाली इस महिला की भयानक चेहरे को देखकर बच्चे क्या बड़े बड़े भी डर जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक ड्रैगन का रूप पाने के ख्याल से ये एवा मेड्यूसा अपने चेहरे को ऐसी सर्जरी करवाई है जिससे विचित्र चेहरे तो बनाई ही, पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये इतनी खराब सर्जरी करवाने के लिए 39 लाख रुपए खर्च किए। अब आप ही बताइए, एक सुंदर शरीर को ड्रैगन का रूप देने के ख्याल में कान कटवा ली, नाक को चपटी करवा ली, सिर पर 8 सिंघे बनवा ली, जीभ को कई हिस्सों में कटवा लिया, पीठ पर कई टैटू बनवा ली, और इससे भी जब मन नहीं भरा तो आंखों की पलक के ऊपर वाले भाग को नीला करवा दिया और आंखों के अंदर के उजले वाले भाग को भी हरा करवा ली। दोस्तों अब आप ही बताइए कि इनमें से सबसे विचित्र और अजीब आदमी कौन सा लगा आपको। आप हमें ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही आश्चर्यजनक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप एक सस्ते दामों पर एक बेहतरीन वेबसाइट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके सस्ते दामों पर एक बेहतरीन वेबसाइट बनवाने के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।